हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के साइंस चैनल पे। सो दे टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4, 8th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4। सो ओपन योर बुक्स, टेक आउट योर पेंसिल एंड टेक आउट योर कॉपी। सो स्टूडेंट, इफ़ यू डिडंट कंप्लीट योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड, देन videos are available in the channel. Go and watch the previous class video, explanation video and exercise solution video. आप लोग को लिंक कैसे मिलेंगे? सो आप लोग अपना फ़ोन देख रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो चल रही है, नीचे वी शेप का साइन है। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपकी साइंस की टीचर ने सारे की लिंक ऐड कर दिए हैं। आप लोग वहां से क्लिक करके लिंक ओपन करिए। नाउ चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड के एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज नाउ आपके नेक्स्ट मंथ से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। उसका सिलेबस आपके पास सेंड हो जाएगा। रिवीजन भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना, आप सबको टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। Now open your books. So students, your teacher is explaining chapter number 4, metals and non-metals. So I already teach you the difference between the metal and non-metal. This is the important part of your chapter number 4. Physical properties of metal and non-metals is very important. सो जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने एक्सप्लेनेशन क्लास के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। वहाँ पे आपकी मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल एंड विद द एक्सेप्शन केस ऑफ एवरी पॉइंट। नाउ ओपन द पेज नंबर 41। इन दिस पेज देयर इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो यहाँ पे मैम ने आप लोग की बताया था, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, बट वी डोंट यूज गोल्ड इन दी वायर बिकॉज गोल्ड क्या है, गोल्ड मेटल है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अंडरलाइन दिस पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 42। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, एंड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। So this is the important point of metal and non-metals when reacting with the oxygen. Now the second is reaction with water. When metal is react with water, it gives hydrogen gas, which is common in all the reaction. There is example of reaction with water. आप लोग ये paragraph देखिए अपनी book में, यहाँ पर आप जितने भी example देखेंगे तो what is the common thing? हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे सारे के सारे रिएक्शन में निकल रही है। तो यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड हीट। नाउ 2K पोटेशियम रिएक्ट विद H2O कोल्ड वाटर गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड हीट। सो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद वाटर, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। सो दिस इज लाइक दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर द कॉमन एंड हाइड्रोजन गैस इज द कॉमन। नाउ नेक्स्ट, when non metal react with water what it gives, non metal do not react with water or steam to release hydrogen gas। तो non metal जो होते हैं वो water से react नहीं करते और hydrogen gas भी उसमें से नहीं release होती है। Phosphorus is very reactive non metal,
तो नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन केस है, फॉस्फोरस जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल है, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट टू ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज़ स्टोर इन वाटर। तो फॉस्फोरस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द वाटर। नाउ जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है रिएक्शन विद एसिड। सो लेट सी व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड व्हाट इट फॉर्म व्हाट इट गिव। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इज वॉयलेंट। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट वॉयलेंटली। तो यहाँ पे डिफर कर रहा है कुछ मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करते। नाउ सी द एग्जांपल, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ HCl, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो वॉट इज द कॉमन थिंग इन दिस रिएक्शन, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट्स ऑल्सो गिव हाइड्रोजन गैस। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ जिंक रिएक्ट विद टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो वॉट इज कॉमन हेयर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। When a burning matchstick is held near the mouth of the test tube, the flame extinguish with a pop sound. This is used to identify hydrogen gas. So, जब इन ये सारे हम practicals अपने lab में perform कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कैसे judge करना है, judge out करना है इसे। आप एक burning matchstick लेंगे, उसे near test tube लेके जाएंगे जहाँ पर ये सारे acid रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक पॉप साउंड मिलेगा। दिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। ये पॉप साउंड हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। हाउएवर सिलिकॉन रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग H2 गैस। तो वॉट इज एक्सेप्शन, नॉन मेटल्स जनरली जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बट सिलिकॉन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग H2 गैस। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। सो इन नॉन मेटल सिलिकॉन इज द नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, व्हेन रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे आपकी इमेज में आप लोग देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया हुआ है, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आयरन का स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आपने क्या डाला है, जिंक एंड ग्रैन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है। फिर आप यहाँ पे बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं तो एक पॉप साउंड क्रिएट होता है। ये क्यों क्रिएट होता है, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। नाउ ओपन द पेज नंबर 44, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8, ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सोल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली एंड ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। सो ये प्रैक्टिकल आपको कहाँ पर परफॉर्म करना है, अपनी लैब पर परफॉर्म करना है, बिकॉज स्कूल तो बंद है इस टाइम पर। अगर स्कूल ओपन होता तो आपकी मैम आपको ये सारा रिएक्शन ज़रूर परफॉर्म करके दिखवाती, बट अभी हम समझते हैं इसे। टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन रखेंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन किससे करवाएंगे, डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम लिया आपने, रिएक्शन करवाया इससे HCl से, रूम टेम्परेचर पे ये किसमें कन्वर्ट होगा, MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस जो होगी वहाँ से इवॉल्व करेगी। एक रिएक्शन हमने कराया HCl से, एक रिएक्शन हम यहाँ पे करवा रहे हैं H2SO4 से। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं। सो ये कॉमन सा प्रैक्टिकल टास्क है जो कि आपको अपने लैब में परफॉर्म करना है, बट क्योंकि
स्कूल और बंद है तो लैब में परफॉर्मेंस ये वाली नहीं हो सकती। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, नेक्स्ट टॉपिक में हम आ जाते हैं, तो वहाँ के रिएक्शन ज़्यादा वैसे समझने वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, दैट इज़ रिएक्शन विद बेसिस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, हाउएवर सम मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, लेड, जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NOH टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, कौन कौन सी, सॉरी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, तो यहाँ पे बेस से बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि बेस से रिएक्ट कर जाते हैं। उसमें कौन कौन से मेटल आते हैं, एल्युमिनियम है, लेड, जिंक रिएक्ट विद NOH। NOH क्या है, NOH इज़ अ बेस। यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है, क्या HCl, HCl इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ एसिड। HCl क्या है, एसिड है, एंड NaOH इज़ अ बेस। सो स्टूडेंट यू शुड नो दिस टू पॉइंट, NaOH इज़ अ बेस एंड HCl इज़ अ एसिड। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन केस हैं, लाइक एल्युमिनियम, लेड, जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट करते हैं NaOH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, टू चेक द रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल देखना है, बेसिस के साथ रिएक्ट करके कैसा क्या मिलता है हमें। मेथड क्या है, टेक टू टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ए एंड अ पीस ऑफ एल्युमिनियम इन बी। तो आपको क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में आपको क्या करना है, एक में आपको डाल देना है मैग्नीशियम और दूसरे में आप डाल देंगे एल्युमिनियम। नाउ ऐड सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, जिसे हम बेस कहते हैं। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सो NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया मैग्नीशियम रिबन एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया पीस ऑफ एल्युमिनियम। नाउ ऐड सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन बोथ टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा थोड़ा सा क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे। नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक में आपने डाला मैग्नीशियम रिबन, दूसरे में आपने डाला एल्युमिनियम। नाउ आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें बेस ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपने क्या किया, मैच स्टिक यहाँ पे लगा के उसे बर्न किया और पॉप साउंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट मीन्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हम ये समझ में आया कि जब पॉप साउंड क्रिएट होगा तो वो कौन से टेस्ट ट्यूब से होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में एल्युमिनियम एडेड किया है हमने उसमें से क्या होगा, पॉप साउंड हमें सुनाई देगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, H2 गैस इज इवॉल्व विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो आप जब टेस्ट ट्यूब का जो माउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, आप जहाँ यहाँ पे सुनेंगे तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा, पॉप साउंड सुनाई देगा। तो यही प्रैक्टिकल टास्क में आपको बताया हुआ है। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स विथ एयर एंड वाटर ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल्स आर अरेंज इन द सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स जो हैं कैसे वो अरेंज होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज होते हैं। सीरीज को हम नीचे पढ़ेंगे, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स इज ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज वेयर एज द लेस एक्टिव मेटल्स इन द बॉटम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपके बुक में दिया हुआ है क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड मेटल्स आर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द सीरीज विच इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड लीस्ट रिएक्टिव इज प्रेजेंट इन द लास्ट विच इज गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नाउ अंडरलाइन दिस पॉइंट।
सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस पॉइंट. विच इज लीस्ट रिएक्टिव? गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव एंड पोटेशियम एंड सोडियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटल्स विच इज प्रेजेंट इन रिएक्टिव सीरीज. तो जब आप लोग के टेस्ट होंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए और अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिए इस पॉइंट को. नाउ ओपन द पेज नंबर 45. यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप लोग दो स्टार बना लीजिए और अंडरलाइन भी कर लेंगे आप इस टॉपिक को. यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ये आपके टेस्ट में ज़रूर पूछा जाएगा. टेस्ट और एग्जाम में आपकी मैम देंगे क्वेश्चन बना के. यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आप लोग को पता होना चाहिए, इवन लर्न होना चाहिए. ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ मेटल पॉइंट नंबर फर्स्ट. आर्टिफिशियल टीथ वर अर्लियर यूजली मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से बहुत पहले के टाइम पे जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्लास्टिक एंड अदर चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो यूज़फुल है हमारे लिए उसे हम क्या करते थे, मेटल से बनाते थे. तो आर्टिफिशियल टीथ पहले के टाइम पे कैसे, सिल्वर और गोल्ड से बनाया जाता था. सोना और चांदी के दांत होते थे. टूथ कैविटीज़ आर फिल्ड विद द अलॉयज ऑफ सिल्वर और टीन विथ मर्करी. ठीक है, तो टूथ कैविटी लाइक आपको जब टूथ में कैविटीज़ हो जाती हैं तो उसे कैसे फिलअप किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ सिल्वर एंड मर्करी. सेकेंड पॉइंट, एल्युमिनियम फॉयल इज यूज टू पैक फूड. एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इज़ अ मेटल विच इज़ यूज टू पैक फूड मेडिसन्स. एल्युमिनियम इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यूटेंसिल. तो एल्युमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिक वायर एंड यूटेंसिल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ फूड को भी पैक किया जाता है. एल्युमिनियम फॉयल तो आप लोग के घर पे ही होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, एलॉइंग इज डन टू मेक दी पैरेंट मेटल स्ट्रॉन्गर. एग्जाम्पल स्टील. ठीक है, एलॉइंग कहाँ पे, स्टील. मिक्सचर ऑफ आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम. ब्रास. ब्रास कैसे बनाया जाता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज. मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड. नाउ पॉइंट नंबर फोर, कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. विच क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच वायर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. आंसर इज कॉपर वायर इज आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव, एल्युमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन बिकॉज एल्युमिनियम इज चीपर देन कॉपर. तो हम मार्केट में कुछ भी चीज़ एल्युमिनियम या कोई भी मेटल यूज़ करने से पहले उसकी क्या देखते हैं, क्योंकि हमारा दुनिया बहुत बड़ा है, हमारा देश भी बहुत बड़ा सा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह लाइट पहुँचानी होती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी होती है. सो हम कॉमनली एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फिफ्थ, आयरन इज टफ स्ट्रॉन्ग चीप एंड यूज फॉर मेकिंग टूल्स मशीन एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. तो आयरन कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हाउस के कंस्ट्रक्शन में. ठीक है, क्यों है, क्योंकि लोहा जो है बहुत मजबूत होता है, टफ होता है, प्लस सस्ता मिलता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सस्ता कंपेरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, जिंक. पॉइंट नंबर सिक्स क्या है, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन एंड इट प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, उसके लिए जिंक का यूज़ किया जाता है और आयरन को, लोहे को जंग लगने से भी बचाता है. गैल्वेनाइज्ड आयरन इज यूज टू मेक ट्रंक्स, वाटर पाइप्स एंड वायर नेट्स. ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक का यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके बाद लोहे में जंग नहीं लगता. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सेवन, आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल. तो आप सब ने देखा आपके घर में लोहे की कढ़ाई होगी. ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होंगे,
तो ये सारे कॉमन कॉमन चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है, मैग्नीशियम यूज्ड इन क्रैकर्स एंड फायरवर्क। मैग्नीशियम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स में, पटाखों में, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड के एक्सप्लेनेशन क्लास एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास, वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे टाइम से। एंड सब लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। आज की वीडियो क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।